हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर ऑफ अप्लाइड हाइड्रोलिक्स। हम लोग देख रहे हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। पिछले वीडियो में मैंने एक प्रॉब्लम लिया था, जो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम वन मैंने पिछले वीडियो में लिया था, जो कि नोजल जिसके एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोजल का एक ही डायरेक्शन है डाउनवर्ड, या फिर ऐसा भी हो सकता है नोजल अपवर्ड होगा, दोनों सेम डायरेक्शन। वो चीज अलग होता है जब नोजल आपके सेम डायरेक्शन में हो, चाहे वो ऊपर सेम डायरेक्शन में हो या फिर नीचे सेम डायरेक्शन में हो। लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो नोजल अपोजिट डायरेक्शन में, एक नोजल ऊपर है तो एक नोजल नीचे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इस वाले क्वेश्चन से। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आर के बंसल बुक का क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आया था। तो क्वेश्चन को जिस तरीके से दिया है, जैसे जैसे हम इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसका गिवन पार्ट लिखते जाएंगे। ए लॉन स्प्रिंकलर शोन इन फिगर हैज 0.8 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब टोटल डायमीटर दिया है, जिसका मतलब क्या है, डी इक्वल्स टू डी ए इक्वल्स टू डी बी। ए एंड बी पॉइंट पे सेम डायमीटर है जो कि है 0.8 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में आगे नहीं रख सकते, हमको मीटर्स में चाहिए होता है, तो इसको मीटर्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.008 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, डायमीटर नोजल एट द एंड ऑफ रोटेटिंग आर्म एंड डिस्चार्ज वाटर एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ये चीज हमको क्या दिया है कि इसके हर एक नोजल में से वेलोसिटी कितना है, तो ये चीज हमको दिया है वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट ईच नोजल, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इन ईच नोजल, देखो जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन पिछला क्वेश्चन हमको कैसे दिया था, पिछले क्वेश्चन में हमको डिस्चार्ज गिवन था और वो डिस्चार्ज हमको क्या बोला था, हमको टैप में से डिस्चार्ज गिवन था, इसलिए हमारा डिस्चार्ज आधा यहाँ पर जा रहा था और आधा यहाँ पर जा रहा था। लेकिन आपकी बार क्वेश्चन में वैसा नहीं है, आपकी बार हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको वेलोसिटी दिया है कि दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट ईच नोजल हमको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, डिटरमाइन द टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड द रोटेटिंग आर्म स्टेशनरी and also determine the constant speed of rotation of the arm if free to rotate। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर बाकी का क्वेश्चन के डायग्राम में गिवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए पॉइंट यहाँ पर है, तो ये आपका होगा रेडियस एट ए, तो रेडियस एट ए 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आगे नहीं रख सकते हम लोग, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आर बी हो जाएगा, आर बी जो कि 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर्स, ठीक है। पहले ही स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर लो, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायमीटर है, तो वहां से एरिया मिल जाएगा पाई बाय 4, डायमीटर कितना है मीटर्स वाला चाहिए हमको 0.008 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करो 5.026 × 10⁻⁵, और यूनिट चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। तो एरिया यहाँ से निकल गया। अब देखो आपके पास एरिया है और आपके पास वेलोसिटी है, तो आपको यहाँ से डिस्चार्ज क्यू मिल जाएगा, क्यू इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो क्यू निकालो, एरिया कितना है, एरिया देखो 5.026 × 10⁻⁵, ये आपका क्यू इंटू वेलोसिटी, तो इसको सॉल्व करो आपको क्यू मिल जाएगा, देयरफॉर क्यू इक्वल्स टू कितना आया 5.026 × 10⁻⁴, ठीक है। तो ये आपका Q मिल गया, इसको हाईलाइट कर दो, ये आपका A है इसको भी हाईलाइट कर दो, और ये आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट A इक्वल्स टू वेलोसिटी एट B A की है, ठीक है। तो चलिए अभी हमें क्या मिल, सबसे पहले क्या बोला है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड द रोटेटिंग आर्म, तो सबसे पहले वो चीज लेते हैं, केस वन टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड रोटेटिंग आर्म, ठीक है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड रोटेटिंग आर्म, तो उसका फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल्स टू रो इंटू क्यू वी ए आर वन प्लस वी
बी आर टू, या फिर आप इसको आर ए या आर बी भी लिख सकते हो, मतलब चलो वैसे ही लिख लेते हैं, आर ए एंड आर बी, ठीक है। वी बी के साथ आर बी का मल्टीप्लाई और वी ए के साथ आर ए का मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करके रो और क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब आपको टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड द रोटेटिंग आर्म पूछा है तो। तो चलो पुट करो इस फॉर्मूले में, तो टी इक्वल्स टू रो। तो यहाँ पर देखो हमको वाटर वर्ड गिवन है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 इंटू क्यू, क्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 5.026 इंटू 10^-4 ब्रैकेट में वी ए। तो यहाँ पर देखो वी ए, वी ए इक्वल्स टू वी बी है ना, वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, यहाँ पर भी 10 है यहाँ पर भी 10 है, तो 10 इंटू आर ए, आर ए कितना है 0.25, 0.25 प्लस वी बी, तो वी बी दोनों के लिए भी सेम है 10, वी ए इक्वल्स टू वी बी है ना, तो वी बी भी 10 है इंटू आर बी, आर बी कितना है 0.2, 0.2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो आपको टॉर्क मिल जाएगा टी 1000 इंटू 5.026 इंटू 10^-4 ब्रैकेट में है 10 इंटू 2, 10 इंटू 0.25 प्लस 10 इंटू 0.2, और इसको सॉल्व करो आपको टॉर्क मिल जाएगा। देखो आपको टॉर्क मिला 2.2617, ठीक है, टॉर्क मिल गया। और टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, ये आपका टॉर्क हो गया। ये है आपका केस वन का सोल्यूशन, टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड द रोटेटिंग आर्म स्टेशनरी। तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड द रोटेटिंग आर्म स्टेशनरी, ठीक है, इतना सही सोल्यूशन है। खाली एक ही फॉर्मूला यूज करना है आपको, टी इक्वल्स टू रो क्यू, वी ए उसके साथ उसी का रेडियस मल्टीप्लाई में, प्लस वी बी उसी का रेडियस उसके साथ मल्टीप्लाई में, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड रोटेटिंग आर्म स्टेशनरी के लिए। तो सेकंड क्या चीज बोला है, आल्सो डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ रोटेटिंग ऑफ द आर्म इफ इट इज फ्री टू रोटेट। यहाँ पर हमको मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करना है, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन क्या है हमारा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं केस टू के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, टॉर्क इक्वल्स टू रो इंटू क्यू। यहाँ पर देखो वी ए आर ए था ना, तो यहाँ पर वी वन आर ए प्लस यहाँ पर वी बी आर बी था, तो यहाँ पर वी टू आर बी होगा, और यहाँ पर वी वन का और वी टू का एक इंडिविजुअल फॉर्मूला होता है। वी वन का फॉर्मूला है वी ए माइनस ओमेगा इंटू आर ए, और वी टू का फॉर्मूला है वी बी माइनस ओमेगा इंटू आर बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जब आपको वी वन और वी टू निकालना है, इसके अंदर आपको पुट करने के लिए वी वन और वी टू की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें पुट कर दो, तो वी वन निकालने के लिए आपको वी ए पुट करना है, तो वी ए इक्वल्स टू वी बी ए जो कि है 10, तो वी वन इक्वल्स टू 10 माइनस ओमेगा इंटू आर ए, तो आर ए कितना है 0.25, 0.25। अब आपको यहाँ पर वी टू चाहिए, तो वी बी भी 10 है हमारा, 10 माइनस ओमेगा इंटू आर बी, आर बी कितना है 0.2, 0.2, तो यहाँ पर आ गया वी वन और वी टू। तो यहाँ पर वी वन की जगह पर वी वन पुट करो, वी टू की जगह पर वी टू पुट करो, और उसको मल्टीप्लाई में आर ए और आर बी दे दो जो इस फॉर्मूले में लिखा है। लेकिन याद रखना हम लोग सेकेंड केस के लिए है, ऑल्सो डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्म इफ इट इज फ्री टू रोटेट। मतलब क्या बोला है, एस नो फ्रिक्शन, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्री टू रोटेट, देयरफॉर मूवमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लो विल बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब आपका टी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो टी इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू रो, रो की वैल्यू कितनी है, वाटर है, तो डेंसिटी होगा 1000 इंटू क्यू, तो क्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था 5.026 इंटू 10^-4, अब ब्रैकेट दे दो यहाँ पर। देखो अभी हमको वी वन पुट करना है, तो यहाँ से वी वन, ये इतना बड़ा वी वन है, तो वी वन के लिए एक सेपरेट ब्रैकेट दे दो,
तो दोनों को हमको यहाँ पर प्लस करना है, तो वी वन के लिए सेपरेट ब्रैकेट देंगे जो कि क्या क्या इसके अंदर 10 माइनस ओमेगा इंटू 0.25, ये हो गया आपका वी वन, उसके साथ मल्टीप्लाई में आर ए, तो आर ए कितना है 0.25, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 0.25, ठीक है, यहां तक ये हो गया और ये ब्रैकेट इसका क्लोज कर दो। उसके बाद प्लस वी टू, वी टू के लिए एक ब्रैकेट ओपन करो, एक बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन कर देते यहाँ पर, ठीक है, वी टू के लिए एक सेपरेट ब्रैकेट में वी टू रख दो, 10 माइनस ओमेगा इंटू 0.2, ये हो गया आपका वी टू और इसके साथ मल्टीप्लाई में आर बी, तो आर बी कितना है 0.2 मल्टीप्लाई में 0.2, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट खत्म कर दो ये वाला, फिर एक ब्रैकेट खत्म कर दो टोटल ब्रैकेट, ठीक है। आप देखो आप यहां से सॉल्व करो आपको डायरेक्ट ओमेगा मिल जाएगा, तो ध्यान से कैलकुलेट करना, ब्रैकेट एकदम ध्यान से पुट करना, नहीं तो कैलसी में एरर आ जाता है। तो 0 = 1000 5.026, 5.026 10⁻⁴, और तीन ब्रैकेट ओपन है, देखो एक दो तीन ब्रैकेट ओपन है, उसके बाद 10 माइनस ओमेगा इंटू 0.25, एक ब्रैकेट क्लोज हुआ, उसके बाद मल्टीप्लाई में 0.25, फिर एक ब्रैकेट क्लोज हुआ, उसके बाद प्लस का साइन है, दो ब्रैकेट ओपन है, उसके बाद 10 माइनस ओमेगा इंटू 0.2, उसके बाद एक ब्रैकेट क्लोज हुआ, उसके बाद मल्टीप्लाई में 0.2 और दो ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। और सॉल्व फॉर एक्स करो, तो यहां पर देखो जो आपको एक्स आया वो एक्स क्या है आपका ओमेगा की वैल्यू है 43.90, 43.90 ये है आपका ओमेगा, और ओमेगा का यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, तो ये आपका ओमेगा आ गया। तो यहां से आप एन कैलकुलेट करना है तो आप एन भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो एन कैलकुलेट करने के लिए आपको ओमेगा का फॉर्मूला मालूम होगा ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2π n/60 होता है, ठीक है। तो आपको एन कैलकुलेट करना है, आपको ओमेगा मालूम है, तो ओमेगा मालूम है तो क्या निकलेगा यहां से 43.90 इक्वल्स टू 2π n/60, तो इसको सॉल्व करो आपको एन मिल जाएगा 43.90 इक्वल्स टू 2 × π × n की जगह पर x पुट करेंगे अपॉन 60, सॉल्व फॉर x करो आपको n की वैल्यू आ जाएगी, तो n इक्वल्स टू आया 419.21, ठीक है 419.21, और n का यूनिट क्या होता है आरपीएम, तो n के फॉर्मेट में भी आंसर चाहिए तो n के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, और आपको ओमेगा के फॉर्मेट में चाहिए तो ओमेगा के फॉर्मेट भी रख सकते हैं। इतना सा सम आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था यूनिवर्सिटी एग्जाम में। यहाँ पर देखो फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस है, क्या चेंजेस है, जो आपका मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन है ना वो देखो, इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हो जहां पर दोनों भी नोजल सेम डायरेक्शन में, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, इसमें आपका मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन देखो टॉर्क इक्वल्स टू वी टू आर बी माइनस वी वन आर ए होता है इस केस में, जब आपका नोजल सेम डायरेक्शन में है, लेकिन अब आपके देखो नोजल डिफरेंट डायरेक्शन में है, तब जब आप मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करेंगे तब बस ये माइनस के साइन की जगह पर आपको प्लस का साइन पुट करना है, ठीक है। इतना चेंजेस है, पहला चेंजेस ये है मोमेंट ऑफ मोमेंट इक्वेशन में जब आप अपोजिट डायरेक्शन वाला सॉल्व कर रहे हो। दूसरा चेंजेस क्या है, जब आप वी वन और वी टू के लिए सॉल्व करोगे, तब मैंने आपको कहा था इस टाइप के क्वेश्चन में वी वन और वी टू का ओमेगा प्लस होगा या माइनस होगा वो डिपेंड करता है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो मैंने आपको इसके वीडियो में समझा दिया था कि आपको प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, ठीक है। तो उसका अलग चीज है, वो इस वीडियो में आप जाके देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ओमेगा प्लस कब आता है वी वन के फॉर्मूले में और ओमेगा माइनस कब आता है वी टू के फॉर्मूले में। तो यहाँ पर एक चेंजेस है इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। लेकिन जब आप अपोजिट डायरेक्शन वाला लेंगे ना, तब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वी वन और वी टू के दोनों भी फॉर्मूले में आपका ओमेगा माइनस ही होगा, ठीक है। आपको दोनों भी फॉर्मूले में ओमेगा को नेगेटिव ही कंसिडर करना है, यहां तक क्लियर है।
तो यहाँ पर कुछ मैंने डिफरेंस आपको बता दिए जब आपको इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है और आपको इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, यहाँ पर आपका सोल्यूशन पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।